हलके नंबर 17 और 18 के लिए रिटर्निंग ऑफिस गांधी पुतले पर कायम किया गया, जहां उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में अपने कारकुनों के साथ पहुंचकर फॉर्म दाखिल किए। हलके नंबर 17 में कांग्रेस की जानिब से अमित सिंह तेहरा, कांताबाई प्रकाश मत्था, प्रभाबाई ईश्वर जाधव और गुरमीत सिंह नवाब ने पर्चा नामजदगियां दाखिल की, जबकि बीजेपी की जानिब से किशोर यादव, मीराबाई रामेश्वर तिवारी, ज्योति खेड़कर और सुरजीत सिंह गिल ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हलके नंबर 18 में कांग्रेस से अब्दुल फहीम अब्दुल मुनीर, शोएब आफाक, सैयद मजहर हुसैन, दीक्षा कपिल कुमार धवाले और ज्योत्सना राजू गोड़बोले ने पर्चा नामजदगियां दाखिल की। कांग्रेस पक्ष से जो टिकट दिए अशोक राव जी चौहान साहब नेता ने, जो हम चार जनों को दिए, विलास धवाले, रमेश बुलबुड़े और शोएफ, ये कांग्रेस 18 क्रमांक से जो हमको टिकट दिए, इंशाल्लाह हम ये पूरा पैनल विन हो जाएगा, हमारा पूरा पैनल विन हो जाएगा। मैं सभी खड़गपुरों को, दुलेशमान नगर का, खड़गपुरे का, भीमघाट का, पक्की चाल का, देगौ चाल का, सभी गंगा चाल का, सभी लोगों को मैं दुआ करता हूँ कि कांग्रेस पक्ष से सिवा वोटिंग करना नहीं। माननीय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री साहेब, आम्ही काँग्रेस पक्षातून फॉर्म भरलेला आहे। आम्ही फय्यूम, दीक्षा आणि गोडबोले या चौघाला बी साहेबांनी आमच्यावर विश्वास दाखवून पक्षानं आमच्यावर जी जबाबदारी जी दिलेली आहे, ती जबाबदारी आम्ही स्पष्ट बहुमताने आम्ही काँग्रेस पक्षाचा विजय करू। एमआयएम की जानिब से मुस्कान नाज, सैयद वाजिद, मोहम्मद नईम, सैयद इनायत अली और सैयद हाजी ने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से गफ्फार खान ने अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शेख बिलाल ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया।